क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे पहला टीम स्पोर्ट्स कब और किसने खेला था? लगभग 3500 साल पहले माया सभ्यता के लोगों ने दुनिया का सबसे पहला टीम स्पोर्ट्स खेला था और इसे पोक्टा पोक कहा जाता था। ये रबर की गेंद का उपयोग करने वाला एक बॉल गेम था और इस बॉल का वजन लगभग 4 किलो होता था और हर खिलाड़ी अपने कूल्हों, कोहनी या घुटनों का उपयोग करके गेंद को हिट कर सकता था, लेकिन उन्हें कभी भी अपने हाथ, पैर या सिर का इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं थी और उन्हें स्कोर करने के लिए इस बॉल को कुछ ऊंचाई पे बने एक छोटे से रिंग से पास करना होता था। और शायद आपने सुना होगा कि इस खेल में जीतने या हारने वालों की बलि दी जाती थी, लेकिन ये सच नहीं है। माया बॉल गेम के दौरान ना तो जीतने वाले और ना ही हारने वालों की बलि दी जाती थी, पर बलि सिर्फ एक तरह के गेम में दिया जाता था, जब ये गेम किसी युद्ध को टालने के लिए खेला जाता था। जैसे कि दोनों शहरों की टीमें एक दूसरे के साथ खेलेंगी और हारने वाले टीम के कैप्टन को मारा जा सकता था। हालांकि अक्सर उन्हें तब तक जीने की अनुमति दी जाती थी जब तक कि हारने वाला शहर जीतने वाले को जेड का एक निश्चित मात्रा सप्लाई करते रहे। जेड एक हरे रंग का कीमती पत्थर था जिसका माया साम्राज्य में गोल्ड से भी ज्यादा महत्व था। ये खेल मनोरंजन के लिए त्योहारों या विशेष आयोजनों जैसे कि राज्याभिषेक के समय खेला जाता था और ये गेम कोर्ट एक हिस्सा है चिचेन इट्जा का, जो एक एंशिएंट मायन शहर का खंडहर है और 7 वंडर्स ऑफ वर्ल्ड में से एक है। ये मेक्सिको के युकाटन पेनिनसुला में स्थित है और ये विशाल शहर कभी व्यापार, संस्कृति और शक्ति का एक संपन्न केंद्र था। आज ये मेक्सिको के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है और लोग इसके आश्चर्यजनक पिरामिड, जटिल नक्काशी और कॉम्प्लेक्स एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी को देखने आते हैं। चिचेन इट्जा के बीचों बीच एक पिरामिड है जिसे एल कैस्टिलो या कुकुलकन के मंदिर के रूप में जाना जाता है। जंगल के तल से 98 फीट ऊपर उठा हुआ ये स्ट्रक्चर माया देवता कुकुलकन के सम्मान में बनाई गई थी। पिरामिड इंजीनियरिंग और डिजाइन की एक मिसाल है जिसमें खड़ी और सकड़ी सीढ़ियां हैं जो ऊपर की ओर एक भव्य मंदिर तक जाती हैं। साल में 2 बार वसंत और पतझर इक्विनॉक्स के दौरान पिरामिड की छाया एक ऑप्टिकल इल्यूजन क्रिएट करती है और ऐसा लगता है कि एक सांप पिरामिड से नीचे उतर रहा हो। इस घटना को कुकुलकन को श्रद्धांजलि माना जाता है और कुकुलकन को अक्सर एक सांप के रूप में दिखाया जाता था। चिचेन इट्जा में एक और देखने लायक आकर्षण योद्धाओं का मंदिर है। ये इमारतों और प्लाजा का एक विशाल परिसर है जो कभी राजनीतिक और धार्मिक गतिविधियों का केंद्र था। यहाँ विजिटर्स मंदिर की दीवारों को सुशोभित करने वाले जटिल नक्काशी और मूर्तियों पर अचंभा कर सकते हैं, जिसमें योद्धाओं, पुजारियों और देवताओं की पेंटिंग शामिल है। लेकिन चिचेन इट्जा इम्प्रेसिव स्ट्रक्चर्स और मॉन्यूमेंट्स के संग्रह से कहीं अधिक है। ये प्राचीन माया सभ्यता की जटिल और आकर्षक संस्कृति में झांकने का एक मौका देती है। उनकी कला, वास्तुकला और धार्मिक प्रथाओं के माध्यम से हम उनके मान्यताओं, मूल्यों और जीवन के तरीके की झलक देख सकते हैं। माया सभ्यता के लोगों के लिए दुनिया प्राकृतिक और अलौकिक शक्तियों का एक कॉम्प्लेक्स इंटरकनेक्टेड मल्टीवर्स था जिसमें पर्यावरण के हर पहलू में देवता और आत्माएं निवास करती थीं। और ये मान्यताएं चिचेन इट्जा में इमारतों को सुशोभित करने वाली पेंटिंग्स और मूर्तियों में भी दिखाई देती है जो पौराणिक कथाओं और धार्मिक दृश्यों को दर्शाती हैं। चिचेन इट्जा में माया साम्राज्य के सबसे चौंकाने वाले उदाहरणों में से एक है सिनोट। ये एक प्राकृतिक लाइमस्टोन सिंक होल है
जिसे दूसरी दुनिया का एक पोर्टल माना जाता था। सिनोट तीर्थ यात्रा और बलिदान का एक स्थल था, जिसमें कीमती वस्तुओं और यहाँ तक कि इंसानों को देवताओं के सम्मान में इसकी गहराइयों में फेंक दिया जाता था। आज टूरिस्ट ये सिनोट को देख सकते हैं और इस प्राचीन और पवित्र स्थल की अविश्वसनीय प्राकृतिक सुंदरता पर आश्चर्य कर सकते हैं। लेकिन चिचेन इट्जा की कहानी केवल कल्चरल और आर्किटेक्चरल जीत की कहानी नहीं है, ये डिक्लाइन और डिसअपीयरेंस की कहानी भी है। इतनी सारी प्राचीन सभ्यताओं की तरह माया सभ्यता ने भी अंत में अपने महान शहरों और स्मारकों का त्याग कर दिया था, केवल खंडहर और रहस्यों को पीछे छोड़ दिया था। माया सभ्यता कैसे खत्म हुई, इसका कारण अभी भी इतिहासकारों और आर्कियोलॉजिस्ट के बीच बहस का विषय है। लेकिन थ्योरीज, नेचुरल क्लैमिटीज, राजनीतिक अस्थिरता और युद्ध को इसका कारण मानते हैं। अपनी प्राचीन उत्पत्ति के बावजूद चिचेन इट्जा मैक्सिकन संस्कृति और समाज का एक जीवंत और गतिशील हिस्सा बना हुआ है और आज ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।